नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन जन शक्ति के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन जन शक्ति के कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं, समस्त गन्ना भुगतान ब्याज सहित अविलंब कराए जाने, बिजली बकायेदार किसानों का अनाधिकृत उत्पीड़न न किया जाए, किसानों पर बैंकों का संपूर्ण कर्जा माफ कराया जाए, आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए जैसी कुल 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम सदर मोहित कुमार को सौंपा गया है। भारतीय किसान यूनियन जन शक्ति के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। मेरा नाम नरपाल सिंह है। ये कलेक्ट्रेट में धरना दे रखा है, किस कारण दे रखा है? ये किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दिया गया, जैसे कि बंदोबस्त, किसानों की कर्ज माफी, किसानों की जो पीएम निधि आ रही है उसमें गड़बड़ है, और किसानों के शुगर मिल के गन्ने के पेमेंट के बारे में। मांग पूरी नहीं हो रही है काफ़ी समय से? नहीं, मांग सरकार नहीं कर पा रही और कर भी रही, कहीं कहीं जब करी है, जब हमने मांग करी है, जिन पर जो पूरी नहीं हो पा रही उस पर हमारे धरने भी चल रहे हैं और उस पर ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराया जा रहा है।